तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जेसीबी को और ट्रक को चढ़ाने वाले सबसे हाईएस्ट माउंटेन पर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जेसीबी को लेकर के, थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके हम लोग जेसीबी को मॉडिफाई भी करने वाले हैं। वो भाई साहब यहीं पर हम लोग रुकते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। भाई लोग हम लोग यहीं पर आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग करते हैं इसको कस्टमाइज और व्हील पहले हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मैंने इसको लिया और इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहा हूँ। भाई वो भाई क्या ही ख़तरनाक लग रही है भाई ये। थोड़ा सा और पीछे वाली व्हील को बढ़ाएंगे, था भी भौकार जमना चाहिए इसका। वो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं और पोजीशन को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। पोजीशन इसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वो भाई सर क्या ही ख़तरनाक लग रही है भाई जेसीबी। और इसको लेकर के चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, कंटिन्यू करते हैं। भाई इसका कलर तो हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं, इसका कलर भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। वो भाई साहब यहीं पे हम लोग ट्रक भी लेंगे भाई। तो आप लोगों को कौन सा ट्रक इसमें अच्छा लगता है कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और वही ट्रक को हम लोग भी इसमें लेने वाले हैं। तो इसमें से अभी हम लोग चेंज करेंगे बॉडी कलर को। भाई मैंने ले लिया अभी तक रेड कलर लिया, और हेडलाइट को भी हम लोगों को ले लेना है। हेडलाइट कौन सा ले भाई, ग्रीन कलर का हेडलाइट हम लोगों ने ले लिया, और इसमें कलर को भी हम लोगों ने रेड रख लिया रेड। वो भाई साहब क्या ही ख़तरनाक लग रही है भाई। अब हम लोग लेते हैं भाई पिकअप, क्या बोलते हैं ट्रक को लेते हैं भाई। यहाँ से आते हैं और हम लोग ऑप्टिमाइज AI को ऑन करते हैं और इस पिकअप को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं भाई सब ट्रक में। कौन सा ट्रक ले, ट्रक को नहीं लेते भाई, ये ही लेते हैं भाई। कौन सा ट्रक आया है, ये वाला ट्रक आया भाई। इसको भी थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं क्या ये मॉडिफाई होती है या नहीं होती। इसके कलर चेंज करके देखते हैं भाई, बॉडी कलर चेंज करके देखते हैं भाई। इसके तो बॉडी कलर ही चेंज नहीं हो रहा है भाई। इसको ऐसे ही हम लोग लेते हैं और इसको तो पहले हम लोगों को ऊपर लेकर जा रहा है। हम लोगों को इसमें स्टोन्स को भी लोड करना है। तो भाई साहब यहीं पर हम लोग को स्टोन लोड करना है। थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई। वो भाई साहब क्या ही ख़तरनाक लग रही है भाई। वो भाई ये क्या हो रहा है भाई, लगता है हम लोग को फिर बैक करके इसको खींचना पड़ेगा जेसीबी। तो ले करके चलते हैं हम लोग अपने जेसीबी को, बस इसको बैक करते हैं। और इसके वो जो आगे वाला बोनट इसको ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे उसमें सट जाएगा भाई। वो भाई इसमें आएगा भी है नहीं आएगा भाई, कोई ठीक नहीं है। क्या ही ख़तरनाक जेसीबी लग रही है भाई हमारी। हम लोगों ने टायर के पोजीशन को भी चेंज किया है, जिससे बस हम लोगों को दिक्कत लग सकता है। वो भाई साहब क्या ही ख़तरनाक लग रही है भाई। ये देखो भाई यहाँ से व्यू क्या ही ख़तरनाक आ रहा है। ओ भाई साहब, अब हम लोग थोड़ा सा इसको जेसीबी से इसको टोचन करके पीछे की तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई कहीं ये नीचे आ जाए, तो इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, देखते हैं ये टोचन ही हो पाती है नहीं हो पाती है। वो भाई शॉक, और आराम से हम लोग करना पड़ेगा ताकि गिरे ना। वैसे बैक आते हैं। वो भाई शॉक ये क्या हुआ भाई। ओ भाई शॉक, ओ भाई वो तो गिर गया भाई। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं जेसीबी को लेकर के कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा से इसको लेकर के चले आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको अप कर दे रहे हैं। वो भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रही है भाई। ये भी गया क्या यार। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, फनमोड को हम लोग यूज करते हैं भाई। वो क्या हुआ भाई। वो भाई साहब ये क्या हुआ भाई। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चाहे करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन सभी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत देर हो गया।